सबकी छवि खराब करने की कोशिशें बीजेपी लगातार करती रहती है। भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल जी उनकी छवि खराब करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन का षड्यंत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से रच रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि भाजपा ने निचले स्तर की राजनीति करी और इस प्रकार के गंदे बेहुदा कंटेंट को बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला, क्योंकि बीजेपी जिंदा ही दूसरे लोगों की छवि को खराब करके बर्बाद करती है। अपनी छवि को नहीं बढ़ाते, अपनी लकीर लंबी नहीं करते, दूसरों की लकीर छोटी करने, दूसरों की छवि खराब करने में लगे रहते हैं। साथियों, बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, नेशनल कन्वीनर हैं, बल्कि आगामी चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं, उनके खिलाफ लगातार कैरेक्टर असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स कर रही है और खास तौर पे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनकी इमेज को तार-तार करने के लिए एक बहुत ही डेरेगेटरी, डेफेमेटरी, विलिफिकेशन कैंपेन चला रही है। बीजेपी के इस षड्यंत्र के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल जी की ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराने जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, जो आज इस प्रेस वार्ता में आपके साथ, आपके समक्ष बैठे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आम आदमी पार्टी की ओर से समय मांगा है। हमने आज एक चिट्ठी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्द से जल्द, हो सके तो आज नहीं तो कल, हर सूरत में हमें समय दें। हम आपके सामने अपना एक वफद यानी कि एक डेलीगेशन लेकर आना चाहते हैं और हमारा वो प्रतिनिधिमंडल पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएगा कि कैसे भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन का षड्यंत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से रच रही है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें जल्द से जल्द समय देगा और इस मामले को पूरी गंभीरता से, इसका संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करेगा। मैं दो चार महत्वपूर्ण चीजें संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि कोई भी शख्स इस प्रकार का मिस्चीवियस, मिसलीडिंग, डेफोमेटरी, डेरेगेटरी, स्लैंडरस कैंपेन किसी भी शख्स के खिलाफ नहीं चला सकता, खास तौर पे चुनावों के भीतर तो बिल्कुल नहीं चला सकता, क्योंकि इस प्रकार के कैंपेन के माध्यम से आप एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता की छवि खराब करकर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, जो एक मूल सिद्धांत है भारत के लोकतंत्र का, उसे कमजोर करते हैं। 5 नवंबर 2023 यानी कि आज से कुछ दिन पहले दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक मिसलीडिंग और एक डेरेगेटरी वीडियो डालकर अरविंद केजरीवाल जी की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश करी। उस कंटेंट को बीजेपी के तमाम ऑफिशियल हैंडल्स ने सर्कुलेट किया, बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स ने उसे शेयर किया और खास तौर पे बीजेपी के राजस्थान, बीजेपी के छत्तीसगढ़ और बीजेपी के मध्य प्रदेश के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, उन सब पर उसे खूब प्रचारित किया गया, शेयर किया गया, चलाया गया। ये कंटेंट जो ओरिजिनेट दिल्ली भाजपा के एक्स प्लेटफॉर्म, ट्विटर प्लेटफॉर्म पे हुआ था, वहां से जाते जाते
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वो तीन राज्य जहां महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव चल रहे हैं इस समय, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आचार संहिता लागू है, उस दौरान इन लोगों ने उस कंटेंट को वाइडली सर्कुलेट किया, शेयर किया और न जाने कितने हजारों व्हाट्सएप नंबर्स पर भी उसे ब्रॉडकास्ट किया। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कंप्लेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के भीतर जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट केवल मिसलीडिंग, स्लैंडरस, लाइबलस, डेरेगेटरी, डेफामेटरी, फैब्रिकेटेड, मिस्चीवियस, मिसलीडिंग, मलिशियस ही नहीं है, ये उसके साथ साथ आईपीसी की धारा 171G, 499 और 500 का वायलेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 का वायलेशन, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कानून के क्लॉज 4.4.2 का भी सीधे तौर पे वायलेशन है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के धारा 171 जी, धारा 499 और धारा 500 का वायलेशन है। ये कंटेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 का वायलेशन है, और ये कंटेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो रूल्स हैं, जो कानून है, उसके क्लॉज 4.4.2 का भी सीधे तौर पे वायलेशन है। साथियों, ये कोई पहली बार नहीं है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए इतने निचले स्तर की राजनीति करी और इस प्रकार के गंदे बेहुदा कंटेंट को बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला। ये लगातार ऐसा करते आए हैं। बीजेपी जिंदा ही कैरेक्टर असैसिनेशन पे है, बीजेपी थ्राइव्स ऑन कैरेक्टर असैसिनेशन, और उन्होंने भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक किसी को नहीं छोड़ा अपने कैरेक्टर असैसिनेशन के अटेम्प्ट से। सबकी छवि खराब करने की कोशिशें बीजेपी लगातार करती रहती है, क्योंकि बीजेपी जिंदा ही दूसरे लोगों की छवि को खराब करके बर्बाद करते हैं। अपनी छवि को नहीं बढ़ाते, अपनी लकीर लंबी नहीं करते, दूसरों की लकीर छोटी करने, दूसरों की छवि खराब करने में लगे रहते हैं। और इसी के साथ साथ मेरी आम आदमी पार्टी की, हम सबकी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक निष्पक्ष संस्था माना जाता है, वो जरूर हमारी इस चिट्ठी का, इस पत्र का संज्ञान लेते हुए हमें समय दें। हमारा प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन के भीतर जाकर एक डिटेल्ड कंप्लेंट सौंपेगा, वो कंप्लेंट भी हमने तैयार कर ली है, और हम सख्त से सख्त कार्रवाई बीजेपी के खिलाफ की जाए उसकी मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी को भी एक नोटिस आया कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसका जवाब जरूर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल और वकीलों द्वारा बनाया जा रहा है, और हम जल्द वो जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस कंटेंट के संदर्भ में आम आदमी पार्टी को वो नोटिस आया है, वो कंटेंट 8 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर जो डाला था, वो 5 नवंबर को बीजेपी ने जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कंटेंट डाला था उसके जवाब में डाला था। आप दोनों कंटेंट के जो वीडियोस हैं वो उठाकर देख सकते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को नोटिस आ गया, लेकिन बीजेपी को कोई नोटिस नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कंप्लेंट के बाद अवश्य भाजपा को भी नोटिस दिया जाएगा और उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे कि भाई आपने 5 नवंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और खास तौर पे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स जो चुनावी राज्यों में भाजपा के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके माध्यम से कैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक पाक साफ आदमी, एक ईमानदार आदमी जो देश की सेवा में लगा हुआ है, उस आदमी की छवि खराब करने के लिए इतना दूषित और इतना बेहुदा कंटेंट डाला, इसका जवाब मुझे विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन जरूर भाजपा से मांगेगी।